नारायण दोस्तों, मैं मंजू सती अपने ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ सब कुशल होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गई सुबह की शुरुआत, बच्चे स्कूल चले गए, पति देव ऑफिस चले गए, पूजा पाठ वगैरह हो गई है, तो कीजिए मेरे भगवान के दर्शन और अपने दिन को कीजिए शुभ। दोस्तों आप लोग भगवान जी के दर्शन कीजिए और अपने अपने कार्य कीजिए, और मैं भी अपना कार्य करती हूँ। जैसा कि आपको बताइए कल के ब्लॉग में कि हमारे घर मेहमान आए हैं, हमारे भैया भाभी लोग हैं, तो आज मैं ना उनको छतरपुर मंदिर घुमाने के लिए जा रही हूँ। मैंने सोचा उनको थोड़ा मंदिर घुमाती हूँ, क्योंकि छतरपुर का मंदिर ही सबसे ज़्यादा फेमस है, तो उन्हें ले जाती हूँ मंदिर और उनको वहाँ घुमाती हूँ, और जो भी होगा जहाँ जहाँ जाएंगे आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलो चलते हैं छतरपुर मंदिर। चलो हो गई तैयार, नए धोबे नाश्ता पान करवे। अब हम मंदिर को जाने की तैयारी हो रही है, मैं और मेरी देवरानी, मेरे हस्बैंड मंदिर अब हम मंदिर जा रहे हैं और वहाँ जाके दर्शन करेंगे भगवान जी के। हाँ, और घूमेंगे, फिर घर आएंगे, फिर खाना खाएंगे, फिर जाएंगे अक्षरधाम मंदिर। भाई साहब भी रेडी है, हम तीनों रेडी है, तो चलो जाने के लिए चलते हैं छतरपुर मंदिर, और आपको भी दिखाएंगे, जो जो हम देखेंगे आपको भी दिखाएंगे। दोस्तों हम लोग मंदिर पहुंच गए हैं, दिखाती हूँ आपको शुरुआत मंदिर की, शुरुआत से। ये शंकर जी भगवान, हे भोलेनाथ। देखिए शिव शंकर भगवान, सूख रही फूल है। देखिए माँ कात्यायनी का मंदिर, ये देखिए श्री राम दरबार। देखिए श्रीमन्नारायण राधा कृष्ण जी, देखिए माँ यशोदा ने अपने लालाओं को गोदी में लिया हुआ है। ये माँ का बैठक कक्ष है, देखिए आपको दिखाती हूँ मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से, माता रानी का बैठक कक्ष। ये देखिए सिंगार, मैया रानी का श्रृंगार। दोस्तों ये महाराज जी जिनके नाम पे मंदिर है, देखो ये, हाँ बिल्कुल देखिए दोस्तों, ना तो मेरे को बाबा जी लगा रही है सच्ची। देखिए दोस्तों मंदिर का लुक क्या सुंदर, हाँ वही तो। ये देखिए छतरपुर मंदिर, जहाँ पर हम लोग रहते हैं, हमारा निवास स्थान छतरपुर। दोस्तों एक दिन ना हम लोगों ने यहाँ पर बैठ के कीर्तन गाए थे, कीर्तन करे हुए थे, यही मंच था वो जब हमने कीर्तन करे थे, इसी मंच पे, हाँ यहाँ ऊपर बैठ के इसी मंच पे हम लोगों ने कीर्तन करे थे एक दिन। ये देखिए संकट मोचन वीर बजरंग बली, ये देखिए क्या मंदिर है, वाह सौभाग्य की बात है इस मंदिर में आना भी। हाँ। सौभाग्य की बात है इस मंदिर में आना। मंदिर की ऊंचाई देखो तो शाखा, देखिए दोस्तों संकट मोचन नाम तिहारो। मनोकामना पूर्ण करने के लिए जिसकी मनोकामना पूर्ण होगी फिर वो बाद में, पहले वो बांधते हैं फिर वो खोलने आते हैं। ये देखिए हमारी दीदी की मन में भी कुछ मनोकामना होंगी, तो ये बाद भगवान माँ कात्यायनी माता इनकी मनोकामना पूर्ण करें और ये जल्दी मंदिर में आए। ये जय हो, खोलने के लिए जरूर आएंगे, अगर इनकी मनोकामना पूर्ण होगी तो माता रानी ने जल्दी मौका दे। देखिए क्या सीनरी है सुंदर सी, सुंदर मंदिर की। ये देखिए अपने पहाड़ की याद दिलाते हैं, देखो ऐसी यही है हमारे पहाड़ों के पत्थर। ये देखो, ये देखिए दोस्तों ये मंदिर का दूसरी तरफ, ये क्या मंदिर है, एक भगवान का स्थल ही ऐसा है जहाँ आके सुकून मिलता है बहुत ज्यादा और अच्छा लगता है।
मन को शांति मिलती है। कान्हा जी, ये कान्हा जी बंसी वाले, ये लक्ष्मी नारायण, ये देखिए मंदिर क्या डिजाइन है, क्या कला है। आज आपको छतरपुर मंदिर पूरा दिखाऊंगी क्योंकि आज मौका मिला हुआ है। देखिए राधे कृष्णा कृष्णा, ये देखिए भाई साहब और दीदी खड़े हैं, इनको बहुत अच्छा लगा मंदिर। शंख देखिए आप कितना बड़ा है ये। बढ़िया चीज ज्वाला एक वही हूँ। मंदिर के बाहर से फुलवारी, क्या सुंदर फूल खिले हैं। ये देखिए दोस्तों, देखिए बाबा जी की समाधि है, बाबा जी की समाधि। दोस्तों ये भगवान जी का ऊपर का दो मंजिले में बने हैं ये मंदिर। ये देखिए नागपाल महाराज, ये देखिए जय हो सैनी महाराज। दोस्तों मंदिर से आ गए हैं घर, घर पहुंच गए और घर आके करते हैं वही दिनचर्या शुरू, खाना पीना बनाते हैं। समय 2 बज गया बच्चों को आने का टाइम, तो उनके आने तक खाना रेडी करते हैं, खाना बनाते हैं, खाते हैं, उसके बाद जो भी होगा आगे कार्रवाई जहाँ भी जाएंगे आपके साथ शेयर करेंगे। तो ठीक है मैं बनाती हूँ खाना और फिर आपसे मिलती हूँ। दोस्तों नींबू की चाट भी तैयार है, आज रोज नींबू खाने को मिल जा रहा है। आज दीदी खिला रही है अपने हाथ से छान के, दिखाती हूँ। देखो ये भी कैसे छान रही है, देखो ये देखो ये देखो, आओ बन गई है। देखो ये कुछ अलग तरीके का है, आज दही नहीं डला है इसमें, शुरू हो गए भाई। खाना खा पी के हो गए रेडी और जाते हैं अक्षरधाम घूमने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए विथ फैमिली मेंबर्स। चलिए ये देखिए अक्षरधाम, तो अक्षरधाम मंदिर पहुंच गए हैं। ये देखिए थोड़ा बहुत अंदर तो कैमरे में ले जाने अलाव है नहीं, बाहर ही ले लेते हैं सब लोग। थोड़ा बहुत आपको यहीं से डेकोरेशन दिखाती हूँ मैं, अक्षरधाम का थोड़ा सा नज़ारा यहीं से दिखाती हूँ आपको। देखिए ये क्या दृश्य है दोस्तों। देखिए रात को अक्षरधाम कितना सुंदर लग रहा है। हम लोग आगे वापस जा रहे हैं घर को देख के, नाइट शो देख के। दोस्तों अक्षरधाम मंदिर घूम के आए और उसके बाद हम पहुंच गए हल्दीराम। हल्दीराम में खाते हैं खाना और लेते हैं खाने का मज़ा। घूम के आए, देख के आए, थोड़ा सा दीदी को आज यहाँ घुमाया हमने हल्दीराम में। दीदी और हम यहाँ खाना खाने के लिए आ गए हैं, यहाँ बैठेंगे। बहुत मज़ा आया इनके साथ घूमने फिरने में, बहुत इंजॉय करा हमने। अब ऐसा गए अक्षरधाम मंदिर गए, वहाँ मज़ा आ रहा है। हाँ, अब हम यहाँ दिल्ली जल्दी जल्दी आते रहेंगे, घूमते रहेंगे, है ना? रहेंगे। और अक्षरधाम मंदिर में बहुत मजा आया। अब हम लोग खाते हैं हल्दीराम में खाना और फिर चलते हैं अपने घर को, ठीक है दीदी? चलो जो भी खाएंगे आपको दिखाएंगे क्या खा रहे हैं। शाम की डेकोरेशन दिखाती हूँ आपको एक बार दोस्तों। खाने के लिए बैठ चुके हैं सभी मेंबर। देखो ऑर्डर आ चुका है दीदी का, दीदी को टेस्ट। मम्मी दीदी भाई सब भी शुरू करते हैं। ये देखिए
दोस्तों घर पहुंच गए हैं, खा पी गए हुए थे दीदी लोगों को लेके, इन लोगों को वहाँ घुमाया, उसके बाद खाना ना खा अब पहुंच गए हैं घर। और कल आपको मिलती हूँ एक नई उमंग, नई तरंग और नई ताजगी के साथ। ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। जय श्रीमन्नारायण।